और इस तरह से गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, और ये नगर पालिका वाले, ये कलेक्टर महोदय मुंह पर पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन के अधिकारियों से और नेताओं से पुनः कि बूंदी के गौ भगत आज भले 50-100 की संख्या में धरने पर बैठे हैं, अगर इनको जरूरत पड़ी तो देश भर में से गौ भगत बूंदी को कीड़ी नगरा बना देंगे, और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो भी हम आगे रहेंगे उसके लिए। और इस तरह से गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, और ये नगर पालिका वाले, ये कलेक्टर महोदय मुंह पर पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन के अधिकारियों से और नेताओं से पुनः कि बूंदी के गौ भगत आज भले 50-100 की संख्या में धरने पर बैठे हैं, अगर इनको जरूरत पड़ी तो देश भर में से गौ भगत बूंदी को कीड़ी नगरा बना देंगे, और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो भी हम आगे रहेंगे उसके लिए। अब ये तो वहाँ के कुछ लोगों का आपने भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने वहाँ पे जो कब्जा करने की कुछ कोशिश की है, वो एक नया विवाद हो गया है जिसके कारण इसमें देर लग रही है। मैं तो सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, कर्मचारी है, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे, जिस कारण से हमें समय लग रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। साथ ही साथ नंदी को शिफ्ट करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द होनी चाहिए। प्रशासन से भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आज जो उच्च प्रशासन है देश के स्तर पे सनातन धर्म को जोड़ने के लिए निकले, और सनातन धर्म में गाय माता को वो उपाधि दी गई है जिसमें 33 करोड़ हमारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। गोभक्तों का धरने का 11वां दिन जारी है, और नगर परिषद की तरफ से उप सभापति होने के नाते आपने भी आज यहाँ पधार कर समर्थन दिया है, गोभक्तों की बात को सुनने का मौका आपने लिया है, क्या कहेंगे आगे गोभक्तों के धरना कब तक जारी रहेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गोभक्तों का जो धरना चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो, क्योंकि ये गो नंदी का जो है एक ऐसी समस्या है जिसके लिए जो ये लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर से अगर गौ माता वहाँ पर भेज दी जाती है तो उससे एक शहर में भी काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि रात दिन उसका भी उनका भी आना जाना, मार्केट में बैठे रहना, केन सिंह चौराया हो, रघुवीर भवन हो, कई जगह इकट्ठी रहती हैं। तो अगर जल्द से जल्द, नगर परिषद भी यही चाहती है कि इसका समाधान हो और गौ माताओं को वहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि इनका आंदोलन भी ये कर रहे हैं, निश्चित तौर से इनका आंदोलन सही रूप से सही है,
हमारा तो प्रयास भी यही है कि हम जल्द से जल्द इनको वहाँ पर शिफ्ट करवाएं। क्या वजह है तो किसकी वजह से ये नंदी वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं? अब ये तो वहाँ के कुछ लोगों का आपने भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने वहाँ पे जो कब्जा करने की कुछ कोशिश की है, वो एक नया विवाद हो गया है जिसके कारण इसमें देर लग रही है। नहीं तो नगर परिषद ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी, ना बजट में ना कोई और काम में के लिए। नया विवाद पनप गया या पनपा दिया गया, अब गोवंशों का निराकरण किस प्रकार से होगा? ये गोवंशों का मामला है, निश्चित तौर से इसका भी निराकरण होगा। वो लोग भी जिनसे कुछ विवाद चल रहा है, निश्चित तौर से ऐसे मामलों में उनको भी थोड़ी सी नर्मता बरतनी चाहिए ताकि इनका विवाद खत्म हो जल्दी से जल्दी। आपका नाम? मेरा नाम लटूर भाई, उपसभापति नगर परिषद बूंदी। सर, धरने का आज 10वां दिन जारी है और पार्षद की तरफ से आपने भी आज यहां पर आकर समर्थन दिया है, क्या ये जो गौ सेवकों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि नंदी की समस्या से आम जन पीड़ित है और उनकी जो मांगे वो बिल्कुल जायज मांगे। ये चाहते हैं कि नंदियों को ले जाकर नज़दीकी गौशाला में शिफ्ट कर दें, इनकी बात बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज है। लेकिन नगर परिषद के कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता और कार्य नहीं करने की मंशा के कारण ही इसमें देरी हो रही है। मैं तो सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, कर्मचारी है, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे, जिस कारण से हमें समय लग रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। साथ ही साथ नंदी को शिफ्ट करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द होनी चाहिए, ऐसी मुझे आशा विश्वास है। और मैंने भी पार्षद होने के नाते नगर परिषद अधिकारियों से बात करी है और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका टेंडर निकाल दिया जाएगा ताकि इस समस्या से का समाधान हो सके और नंदी जी को शिफ्ट किया जा सके। नगर परिषद की बोर्ड बैठक में भी आपने इस मुद्दे को उठाया था शिफ्टिंग को लेकर, अगर अभी तक कोई इसका नगर परिषद की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नजर नहीं है? उसका कारण मैंने आपको बताया, नगर परिषद के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं काफ़ी समय से आयुक्त नहीं है और जब आयुक्त आते हैं तो नगर परिषद में बैठते नहीं है। जैसे पहले जो आयुक्त आए थे वो नगर परिषद में बैठे नहीं, अभी वर्तमान में आयुक्त हैं वो भी नगर परिषद नहीं आती है, बिना साइन के कोई टेंडर होता नहीं है। तो प्रशासन को भी इसको चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, ये जनहित का विषय है, आम जनता का विषय है, इसको सकारात्मक तरीके से लेते हुए जल्द से जल्द इसके टेंडर करके और नंदी को शिफ्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं प्रेम प्रकाश योगिन, वार्ड पार्षद नगर परिषद बूंदी। गौ माता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। गौ माता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। गोवंशों का धरने का आज 11वां दिन जारी है और व्यापार संघ की तरफ से आप पधारे हो समर्थन देने के लिए, क्या पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा, मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय, गौ माता की जय। आज हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गोपाल गौ सेवा संस्थान वालों को, सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे मौका दिया है, सिंधी समाज सेवा समिति को। सिंधी समाज का पूर्णतया इस
आंदोलन में समर्थन है। हम ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार भी गोपाल गौ सेवा संस्थान वालों ने 64 दिन तक इस मामले में धरना दिया था। अभी ये आज 11वां दिन है। प्रशासन से भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आज जो उच्च प्रशासन है देश के स्तर पे सनातन धर्म को जोड़ने के लिए निकले और सनातन धर्म में गाय माता को वो उपाधि दी गई है जिसमें 33 करोड़ हमारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। अगर हमारा गोवंश इस तरह से बेकदरी से उनकी हालत रहेगी और ये आंदोलन उसके लिए भी हमको ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। इसलिए हम प्रशासन से ये बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को इस मामले को हल करके गोवंश को जो भी उनको सुरक्षा प्रदान करे। आज हमारी गोवंश पूरे रोड पे रोजाना कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है, कभी हम सुनते हैं कभी कहाँ कभी क्या हुआ कभी क्या हुआ। इसलिए एक गौशाला जो आवंटित की गई है प्रशासन की तरफ से वो जल्द से जल्द निर्णय ले और संस्थान को हैंडओवर करके उस गौशाला को और गोवंश की रक्षा करने में हमारी सबकी संस्थान की सबकी मदद करें। भारत माता की गोवंश की समस्या सबको नजर आ रही है, आमदनी की समस्या है, सभी की समस्या है, मगर इसका निस्तारण नहीं होगा। निस्तारण तो हम फिर भी प्रशासन से यही कहेंगे कि हम भारत देश में रह रहे हैं, सनातन धर्म को सबसे बड़ा जहां माना गया है, गौ माता को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। पहले तो प्रशासन को इसमें जल्दी निर्णय करना चाहिए, नहीं तो जब तक ये अगर निर्णय नहीं होता है तब तक ये आंदोलन ऐसे ही हम संस्थान वालों को बोलेंगे कि ये चलता रहे। सभी के सहयोग इसमें हम चाहेंगे भाई, सभी समाज सेवी संस्थाओं का सभी व्यापारिक संगठनों का इसमें सहयोग मिलता रहे। तो अब ये तो देखो उच्च निर्णय। मैं मंगूमल टेकवानी अध्यक्ष सिंधी समाज सेवा समिति से एक बार और धन्यवाद करता हूँ गोपाल सेवा संस्थान, गोपाल गौशाला सेवा संस्थान को, सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को। हमें यही उम्मीद है सभी संस्थाओं से, सभी व्यापारिक संगठनों से, सभी नागरिकों से कि ऐसे ही उनको समर्थन मिलता रहे तो उनका उत्साह बढ़ेगा और गोवंश को जल्दी न्याय मिले। नहीं अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोहिन आविलाज, ये परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। अगर ये मांग रहे हैं तो किसी गौसेवा के लिए मांग रहे हैं तो इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि गायों का अपना अधिकार है। हम इनके अधिकार क्षेत्र में अगर अपना अधिकार लगाते हैं तो ये हमारे लिए निरर्थक है, गलत है। हमें इनका अधिकार गायों को मिलना चाहिए, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ इनके अधिकार के लिए। आगे आए जो भी आए, और भी संस्थाओं को मैं निवेदन करना चाहूँगा, और भी संस्थाएं इनके सहयोग में आगे आए। धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हो, समर्थन दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप प्रशासन से भी कोई आपके स्तर पर बात करेंगे या कोई निस्तारण की कोई लग रहा है आपको कहीं? तो इसका निस्तारण तो जल्द से जल्द होना ही चाहिए। अगर हमें प्रशासन से कोई मांग, कोई ज्ञापन देना है, कोई भी हमारी तरफ से कोई भी सहयोग चाहिए तो गौ सेवा संस्था गोपाल सेवा संस्थान को हमारा सहयोग हमारी हमेशा रहेगा। अभी कहा जा रहा है आक्रोश है कि गाँव या उपखंड लेवल पर भी आंदोलन किया जाएगा, इतना मेरे को लगता नहीं इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहीं पर अपने इसी आंदोलन को तेज करके गांव-गांव भी जाकर के भी करना पड़ेगा, तो जरूर प्रचार करेंगे ताकि ये जल्द से जल्द गायों को अपना अधिकार मिल सके। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जल्दी सद्बुद्धि दे, और इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी करना पड़ेगा, तो सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे। महेश चांदवानी, सिंधी समाज सेवा समिति का सह सचिव। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। पाँच कसम जब तक तू रक्षा रहेगा तो माता का नाम रहेगा, जब तक तू रक्षा।
11वां दिन जारी है और आप भी यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे हो, इन दो वक्तों की मांगों को लेकर कब तक आंदोलन जारी रहेगा? मैं गौरक्षा कमांडो फोर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस टाइगर राजपुरोहित आज दिल्ली से इस धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ऐसे अनेकों पूरे देश भर में जहाँ भी गौरक्षा को लेकर, गौ माता को लेकर कोई धरना हो, आंदोलन हो या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, वहाँ पर टीम गौरक्षा कमांडो फोर्स या एसएस टाइगर हमेशा खड़ा मिला है। मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली कि पिछले 10 दिनों से ये गौ भगत वर्तमान भाजपा की सरकार के सामने भी गौ माता की रक्षा की उनको भीख मांगनी पड़ रही है, उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये भाजपा की सरकार है जो अपने आप को गौ भगत और गौ सेवक होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की दयनीय स्थिति अगर इस प्रदेश में हो, ये केवल बूंदी का मामला नहीं है, ये राजस्थान के हर जिले का मामला है, राजस्थान की हर पंचायत का मामला है। हर जगह पर इसी तरह से गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में डंडे कूड़े कचरे खाकर मर रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहा है गौवंशों का। गौ भगत उसमें तैयार रहते हैं, परंतु ये सरकार के नुमाइंदे, ये नेता, ये लोग वोट से पहले गौ माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु जब धरातल की बात आती है तो ये लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। इसलिए मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, भले वो भाजपा हो, भले वो कांग्रेस हो, हम सत्य के साथ में हैं, हम मोदी जी के साथ में हैं, हम मोदी जी के साथ में हैं और मोदी जी को पुनः पीएम बनाना है, उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। परंतु मेरा निवेदन है इस भाजपा सरकार से, भजन लाल शर्मा जी से और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों से कि गौ भक्तों के धरने को इतना कमजोर मत समझने का प्रयास मत करो। ये गौ भगत जितने मौन बैठे हैं उतने अंदर से खुकार भी है, ये हर तरीके से जवाब देना जानते हैं। इसलिए इन गौ भक्तों को सीरियस लें, ये तो हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हम लोग शांति से बैठे हैं। यही अगर कुछ अल्पसंख्यक लोग हो या कोई भी समाज का कोई व्यक्ति हो, वो अगर सड़कों पर निकल गए होते और यहाँ पर उपद्रव मचाया होता उन लोगों ने, तो 2 मिनट के अंदर उनकी मांगे मान चली जाती है। जयपुर की घटना से रूबरू करवाऊंगा, गहलोत की सरकार थी प्रदेश में और एक्सीडेंट से एक व्यक्ति मर गया और आधे घंटे में 50 लाख का मुआवजा और नौकरियां मिल गई उसको। और इस तरह से गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं और ये नगर पालिका वाले, ये कलेक्टर महोदय मुंह पर पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन के अधिकारियों से और नेताओं से पुनः कि बूंदी के गौ भगत आज भले 50-100 की संख्या में धरने पर बैठे हैं, अगर इनको जरूरत पड़ी तो देश भर में से गौ भगत बूंदी को कीड़ी नगरा बना देंगे और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो भी हम आगे रहेंगे उसके लिए। इसलिए इनकी मांग को माना जाए, ये कोई खुद के लिए नहीं बैठे हैं, ये खुद का काम काज, बिजनेस धंधा, किसानी सब छोड़कर गौ माता के लिए बैठे हैं यहाँ पर। इसलिए इन लोगों की बात को मानी जाए, इनका जो है जो भी मांगे लीगली मांगे, कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन है कि आप लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन उठाना चालू करें और इनकी मांग जो है वो सुन ले, वरना आने वाले समय में इस बूंदी में इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर यहाँ के जो ये धरना पे जो बैठे हैं इनकी जो कमेटी अगर हमें कहेगी कि हम ये उससे आगे कुछ करना चाहते हैं तो दिल्ली क्या जयपुर तक कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, तो जयपुर तक कुछ करेंगे हम लोग। इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी इनकी मांगे हैं मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो मांगे एक बार लीगली पुनः रखें और इन सरकार के नुमाइंदों को अवगत कराएं, माने तो ठीक है वरना हम हर तरीका का रास्ता जानते हैं कि कैसे मांगे मनवानी है। हम सनातन धर्म की लड़ाई 20-22 साल से लड़ रहे हैं, 50 मुकदमे झेले हैं और 51वां और एक बूंदी में बन जाएगा तो भी स्वीकार है, परंतु सरकार से कहना चाहते हैं कि हम गौ रक्षकों की जो मांगे हैं वो माने और गौ माता की रक्षा करें, नगर पालिका की जो भी धांधली है उसे मिटाएं
और ये जितने भी गोवंश घूम रहे हैं बूंदी शहर में उनको नगर निगम की जो गौशाला है उसमें उनको शरण दे, ताकि रोड पे किसी का एक्सीडेंट भी ना हो। आए दिन रोड पे लोग मर रहे हैं, किसी स्कूटी किसी महिला को मार दिया, किसी को मार दिया, तो क्या करेंगे गोवंश? आजकल जो गोवंशों की जो जमीन है, गोचर भूमि है, उस पर तो कुछ माफियाओं ने कब्जा कर लिया, इसलिए गोवंश सड़कों पर आ गए। और ये मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, और मारेंगे ये तो, इसलिए गोचर भूमि पर जो इतना कब्जा हुआ है। अब पहले कांग्रेस की सरकार से हमें कोई आस नहीं थी, क्योंकि वो तो गौ तैयारी सरकार साबित हो चुकी है, परंतु अब तो गौ भगत वाली सरकार है, अब तो राम राज्य आ चुका है। जब देश में सैकड़ों वर्षों से तुम भगवान श्री राम का मंदिर बना सकते हो, तो वो राम इस धरती पर आया था विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उस राम की गाय के लिए कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते? हमें स्पष्ट करें। भाजपा सरकार से कहना चाहूंगा, कि हमें स्पष्ट करें कि आप करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे हो। हम मोदी जी की टीम के साथ में हैं, पिछले 2014 से तो हम धरातल पर उनको सेवा दे रहे हैं, उनकी पार्टी को जिता रहे हैं और आगे भी जिताएंगे। परंतु आप ये मत सोचना कि हम आंख पे पट्टी बांध के आपके साथ खड़े रहेंगे, अगर आप गाय के नहीं हुए तो हम आपका होना बंद कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित उर्फ एसएस टाइगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स, दिल्ली से। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।